हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगम्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी का जो मौसम चल रहा है वो हम सभी के लिए काफ़ी परेशानी का समय है, काफ़ी परेशान करने वाला मौसम है, क्योंकि ये जो मौसम है ना ठंडी का है, ना बरसात का है, ना गर्मी का है। पता नहीं ये मौसम कब जाएगा, बड़ा परेशान कर रहा है हम सबको। पर क्या करें, ये जो मौसम है उसमें भी हमको अपना ख्याल रखते हुए काम करना है, फैमिली का ख्याल रखना है, बच्चे का ख्याल रखना है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ये जो ठंडी है उससे हम कैसे अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखेंगे, किन चीज़ों का यूज़ करेंगे जिससे हम थोड़ा सा अपने आप को आने वाले सीजनल बीमारी से अपने आप को बचा के रखते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि कोई पेड़ या पौधा किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए अपना फ़ायदा पहुंचाते हैं? नहीं ना, बिल्कुल सही सुना है। कोई भी पेड़ या पौधा ऐसा नहीं है जो किसी स्पेशल कम्युनिटी को ही अपना फ़ायदा पहुंचाते हैं, बल्कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे सब के लिए हैं। और जितने हम नेचर के करीब जाएंगे, जितना हम उनसे प्यार करेंगे, हमको उनसे प्यार ही मिलेगा। हमको उनको संभाल के रखना है ताकि वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे परिवार के मेम्बर बन के रहेंगे, हमारे मित्र होंगे, हमारे साथी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है कुछ अलग होने वाला है। इसके पहले तो मैंने बाहर का व्यू भी आपके साथ शेयर किया है, पर आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आज मैंने इस वीडियो में आपसे बात करना स्टार्ट किया, इसे आप समझ गए होंगे कि कोई पेड़ या पौधा है जिसका यूज़ हम इस मौसम में, या इस मौसम ही नहीं, कभी भी आप उसका उसको उपयोग करते हैं, उसके साथ रखते हैं, उसको अपने समीप रखते हैं, तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो वो जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। और तुलसी का पौधा तो हर किसी को पता होगा, और लगभग लगभग बहुत सारे घरों में मिल जाते हैं। पर कई लोगों को इनका जो फ़ायदा है और थोड़ा सा नुकसान है उसके बारे में नहीं हो सकता है पता। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये जो बातें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है तुलसी का पौधा। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। मैं कहूँगी फ्रेंड्स, इसे आप अपने घर के आसपास ज़रूर लगाइए और इसके जो भी फ़ायदे हैं उसका लाभ लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये मैच्योर पौधा है। इसका जो तना है वो काफ़ी सख्त है। आप देख सकते हैं इसका जड़, तना, पत्ती, फूल और साथ में बीज सभी जो है बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बनाए रखने के लिए इस पौधे का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ये जो पौधा है आप ज़रूर से ज़रूर लगाइए और इसके जो फ़ायदे हैं उसका लाभ लीजिए। मैं साइंटिफिकली बात नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ फ्रेंड्स कि ये जो तुलसी का पौधा है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है रामा तुलसी, दूसरा होता है श्यामा तुलसी। रामा तुलसी जो है बिल्कुल उसकी पत्तियां जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, पर जो श्यामा तुलसी होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो डार्क पर्पल कलर में होती है, जिसको आप देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये रामा तुलसी है या श्यामा तुलसी। ये जो तुलसी का पौधा है उसमें विटामिन, खनिज भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे शरीर के बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसमें खनिज की हम बात करें तो इसमें होता है कैल्शियम, जिंक, आयरन, आर्सेनिक। एसिड की बात करें तो इसमें होता है साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और साथ में होता है थायामिन। फ्रेंड्स, एक एक करके हम इसके फ़ायदे को के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पौधा है एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अन्य पौधों की तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते बल्कि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको कि हम लेते हैं और आज हम जिंदा हैं।
सेकेंडरी बात करें तो ये जो पौधा है हमारे डेली लाइफ में काम आने वाले जो काढ़ा बनते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। जब कभी भी हमको सर्दी लगती है, बुखार होते हैं, जुकाम होता है या खांसी होती है तो काढ़ा हम बनाते हैं, आराम से पीते हैं और हमारा सर्दी जुकाम जो है चौमंतर हो जाता है। तो तुलसी का जो पौधा है जिसमें ये जो है एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, दूसरा ये इम्यूनिटी बूस्टर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण को दूर करता है, उनसे लड़ने की क्षमता रखता है। जब आपके बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है जिसकी वजह से आपको सर्दी लग जाती है, जब आप तुलसी का काढ़ा पीते हैं तो ये जो है तुलसी का काढ़ा ये बैक्टीरिया को वायरस को किल कर देता है जिससे आप स्वस्थ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कैंसर जैसे बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है तुलसी का पौधा। ये हमारे लीवर को ठीक रखता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखता है, हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे कान के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। जब कभी भी आपको कान में दर्द होता है तब आप इसकी पत्तियाँ ले लीजिए और अपने हाथों से मसल लीजिए। मसलने के बाद में एक या दो बूंद आप उसके जो रस है उसको आप अपने कान में डाल लीजिए, देखेंगे कि आपका जो कान का जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो तुलसी का पौधा है ये हमारे बॉडी में स्टेमिना को बढ़ाए रखता है, बनाए रखता है। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में कहीं भी स्किन में जब दाद हो जाती है, खाज हो जाता है, खुजली हो जाती है, तब भी आप इसकी पत्तियों को लीजिए, मसल लीजिए और उसके बाद इसके रस को उस एरिया में अप्लाई कर दीजिए। आपका जो खुजली है उसको देखेंगे बहुत जल्द राहत मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो पौधा है वाकई बहुत गुणकारी है। मैं तो कहूँगी कि आप इसे बिल्कुल अपने घर के आसपास लगाइए और इसका जो फ़ायदा है उसका लाभ लीजिए। अगर हम चेहरे की बात करें तो जब भी कभी पिंपल्स हो जाते हैं, कील मुहासे आ जाते हैं चेहरे पर, तो आप इसका रस निकाल कर लगा लीजिए या कोई भी आप फेस पैक यूज़ करते हैं, जो भी घर में आप बनाते हैं उस फेस पैक में इसके जो पत्तियां हैं उसका रस निकाल लीजिए और 2 से 3 बूंद ज़रूर मिलाइए और उसके बाद आप उस फेस पैक को अपने फेस में अप्लाई कर लीजिए। देखेंगे कि आपके जो कील मुहासे हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयित, मतलब किसी भी चीज की जो अति है वो अच्छी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इतने सारे फायदे जो हैं जिसकी मैंने बात की, इसके थोड़े से नुकसान भी हैं। अगर आप तुलसी का जो पत्ता है उसको ज्यादा मात्रा में चबाकर खाते हैं तो ये आपके दांतों को हानि पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है आयरन, इसमें होता है आर्सेनिक, जो कि आपके दांत के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए आप इसे ज़्यादा मात्रा में ना लें, कम से कम 2 से 3 पत्ती आप खाली पेट में सुबह लेंगे, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, पर इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये जो अभी का मौसम चल रहा है, मुझे लगता है इस मौसम में इस पौधे के जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसका हम यूज़ करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, इस मौसमी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मेरे बताए हुए फ़ायदे हैं वो आपको बिल्कुल कारगर साबित होंगे। आप इसको यूज़ करके देखिए और बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। और उम्मीद करती हूँ मेरे जो ये वीडियो हैं आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।